हे गाइस, स्वागत है आप सबका पोकेमोन फायरस के एपिसोड नंबर 30 में। एंड आज के एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं आइस वाले केव के अंदर। और वेट करो, इतने भी जल्दी क्या है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में प्रॉमिस किया था कि हम लोग हमारे पोकेमोन के साथ बहुत ट्रेनिंग करने वाले, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा ट्रेनिंग करने में, बट मैंने मेरे पोकेमोन की ट्रेनिंग कर दी थी। हम लोगों ने मेरे सारे लगभग सारे पोकेमोन को 42 के आसपास लेके रख चुका हूँ। और फैनपी के साथ मेरे को ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की मैंने, क्योंकि फैनपी मतलब पहले ही बहुत कम लेवल का था इसलिए। तो और कुछ मैंने दो तीन अच्छे अटैक्स भी सिखा दिए आई थिंक इसको, नहीं हाँ इसने बॉडी स्लैम सीखा है अपने ये वाले बेलीफ ने। हेराक्रॉस ने कुछ सीखा क्या? हाँ मैंने उसको मेगा हॉर्न जो वो लेवल अप के साथ सीखा। और अर्थक्वेक मैंने TM सिखा दिया उसको, क्योंकि उसके पास अच्छे मूव्स नहीं थे। फिर सेंटर क्विल के पास आई थिंक कोई अच्छा मूव, वही है सब बुराने वाले मूव्स। और अपना ये इसको मैंने आइस बीम सिखा दिया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे इसके पास जो आइस फैंग है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम थी और आइस बीम की एक अच्छी एक्यूरेसी है, इसलिए मैंने इसको सिखा दिया। फिर आते हैं पिकाचू की बात। पिकाचू के बारे में मैंने, अगर आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में, उसके पास 3 इलेक्ट्रिक टाइप थे और एक नॉर्मल क्विक अटैक था, इसलिए मैंने इसको ब्रिक ब्रेक भी सिखा दिया, क्योंकि गाइज हर बार इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं आती। और हमारा ये छोटा लिटिल फैन भी, उसने ज़्यादा अटैक्स तो नहीं सीखे, चार्म सीखी है वो, हम उतना भी कुछ खास नहीं है, बट ठीक है। तो देखते एक मिनट, मेरे बैग में इतने इनफ मैक्स रिपेल तो होने ही चाहिए। किधर गए मैक्स रिपेल? किधर होता है? आइटम्स में होंगे आई गेस। मैक्स रिपेल किधर गए? ओके, हमारे पास अभी भी 47 है, तो मैं एक को यूज़ कर लेता हूँ। और चलो अंदर चलते हैं आज के एपिसोड में। ओ ये कौन है? क्या एक बैटल? ये तो नर्स जॉय लग रही है, या और ये तो जिंक्स है। दिस केव कैन रियली टायर यू आउट, टेक अ ब्रेक। ओ गॉड, यू एंड योर पोकेमॉन आर लुकिंग ग्रेट, टेक केयर नाउ, द पोकेमॉन हियर कैन बी लिटिल वाइल्ड। ओके, मतलब हम लोगों ने पोकेमॉन हील करके आ चुके थे, बट फिर भी यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे एक नर्स जॉय है जो हमारे पोकेमॉन हील कर सकती है। ओके, यहाँ पे एक लिटिल पजल है जो कि मेरे को काफ़ी पसंद आई। डिसेंट, ओके, नेवर मेटल मेल्ट आइस मिला, जिससे हमारे आइस टाइप मूव्स की पावर बढ़ सकती है। मैं हर चीज़ को मतलब यहाँ पे डिफाइन करके जाऊँगा। लेट्स सी, ओके नॉट बैड। अरे अरे, मैं लगभग वहाँ पे पहुँच चुका था, एक मिनट, समझ गया मैं। यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, और आई गेस ओके हो गया। यार ये तो काफ़ी इजी बैटल थी, मतलब पजल थी। और यहाँ पे कुछ रखा है क्या? तो ये बनाया ही क्यों है? टाइम पास करने के लिए आई गेस। यहाँ पे कुछ हिडन हो सकता है, लेट्स मी चेक फर्स्ट। ओके, कुछ नहीं है यहाँ पे। और अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है। ये काफ़ी इजी है, मतलब यहाँ पे एक मिनट, ऊपर मैंने कुछ छूट तो नहीं गया? ओके, कुछ नहीं छूटा। रिपेल ख़त्म हो गया हमारा, अभी हम लोग एक और यूज़ कर लेंगे रिपेल। और देखते हैं नीचे क्या रखा है, पहले तो यहाँ से जाके देखते हैं। ओके, नीचे एक पोके बॉल है। ओ TM63 MRGO, कुछ तो ऐसा ही था, नाम से तो अच्छा लग रहा है। लेट्स सी वो काम में भी। ओ ये केव ख़त्म भी हो गई, काफ़ी छोटी केव थी। अभी हम लोग आ चुके हैं ब्लैक थॉर्न सिटी में। और तू कौन है ब्रो? द आइस केव इज़ अ गुड प्लेस टू ट्रेन आवर ड्रैगन्स। ओके, ये घर में पहले जाके चेक कर लेते हैं। लांस ग्रीव अप हियर एज वेल, क्लियर, वी रेज पावरफुल पीपल हियर। ओके, लांस और क्लियर का ये होम टाउन है। इफ़ यू गो थ्रू द ड्रैगन्स देन यू विल एंड अप द ड्रैगन्स होली लैंड, दो नॉट जस्ट एनी वन इज़ अलाउड टू गो देयर। ओके, मतलब तेरे को भी अलाउड नहीं है। हे देयर, आई फाउंड दिस इन द केव, वांट इट, ऑब्टेन ड्रैगन स्केल। ओके थैंक्स ब्रो। ब्लैकथॉर्न सिटी, अ क्वाइट माउंटेन रिट्रीट। ओके, और यहाँ पे चैरिजार्ड क्या कर रहा है? चार, आई एम सो सॉरी माई चैरिजार्ड, जस्ट वॉन्ट लिसन। ओके, और मोहतरमा आप किधर जा रही हो, बात करो। आई वुड लाइक टू टीच यू आउटरेज, विच पोकेमॉन वुड लाइक मी टू टीच। ओके लेट सी, यार मेरे पास अगर मेरा चैरिजार्ड होता तो वो सीख सकता। कम बैक एनी टाइम, थैंक्स अगेन, बट फिर भी, बट कोई बात नहीं। आई केम अ लॉन्ग वे बट आई फाइनली गॉट माई स्लो ब्रो द मूव आई वॉन्टेड। ओके, मतलब आप इधर नहीं रहती, ये क्या, ये कौन है? आई एम द मूव मैकेनिक, आई नो एवरी सिंगल मूव दैट पोकेमॉन लर्न ग्रोइंग अप, आई एम ऑल्सो अ कलेक्टर ऑफ हार्ट स्केल्स, इफ़ यू ब्रिंग मी वन आई विल टीच यू मूव, सॉरी आई विल टीच अ मूव टू वन ऑफ योर पोकेमॉन। ओ दैट्स लेट, दैट्स अ हॉनेस्ट गॉड हार्ट स्केल, लेट मी गेस, वॉन्ट टू। ओके, मेरे पास हार्ट स्केल है कुछ पोकेमॉन? नहीं यार, मेरे को फ़िलहाल तो कोई मूव नहीं सिखानी, मैंने
ऑफलाइन ट्रेनिंग में सबको अच्छा अच्छा सिखा दिया था। ओ यस, आई एम अ मूव डिलीटर, आई केम, ओके ये मूव डिलीटर है और वो मूव रीलर्नर बोल सकते हैं। हार्ड स्किल मेरे को कहाँ पे मिली, आई डोंट नो, आई थिंक मैंने वो जो हिडन जगह रहता है ना वो उधर हम लोग कुछ क्लिक करते रहेंगे तो होता रहेगा। यहाँ पे ये घर में मैं गया था, नहीं गया था आई गेस। यहाँ पे तो एक अंकल है, लेट्स टॉक टू हिम। ओके अभी रिपेल की ज़रूरत नहीं है हमें। अरे रुको अंकल, आई एम लुकिंग फॉर डोड्रियो, वॉन्ट टू ट्रेड विथ माई ड्रैगन एयर। ओके यार, बट ऐश के पास तो ड्रैगन एयर नहीं था तो मैं भी पकड़ नहीं सकता, पकड़ मतलब ट्रेड भी नहीं कर सकता। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं पहले, तो हमारे पास क्या क्या है देखते हैं। हाइपर पोशन कितने हैं, 6 ही है और ख़रीदने पड़ेंगे। और रिवाइव तो बहुत थे हमारे पास, फिर कितने हैं, ओके 34 है उनकी ज़रूरत। फुल रिस्टोर कितने हैं, 3 और ख़रीद लेते हैं, क्योंकि गाइस पैसों की चिंता मत करो। पोकेबॉल्स कौन ख़रीदता है, क्योंकि हम ऐश ने जो पोकेबॉल पकड़े वो तो हमें फ्रीली मिल जाएंगे ना, ऑब्वियस ही बात है। ओके यहाँ पे एक जिम भी है, हर चल ऊपर। ब्लैकथॉर्न सिटी जिम लीडर क्लियर द ब्लेस्ड यूज़र ऑफ ड्रैगन टाइप। ओके और देखा जाए गाइस, ड्रैगन टाइप के लिए तो आइस टाइप होना चाहिए या फिर ड्रैगन टाइप, और मेरी टीम में फ़िलहाल तो कोई ड्रैगन टाइप है नहीं, तो अच्छा हुआ मैंने मेरे टोटोडल को आइस बीम सिखा दी। क्लियर यूज ड्रैगन टाइप पोकेमॉन, दे आर वीक अगेंस्ट ड्रैगन आइस एंड फेरी टाइप्स। फेरी टाइप मूव है क्या मेरे पास कोई, क्या पता। दे आर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ड्रैगन, दे आर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी फायर ग्रास एंड वाटर। देखा जाए तो मेरी पूरी टीम उसी से बनी हुई है, क्या करूँ मैं अभी, बट कोई बात नहीं, लेट्स वी होप कि हमारा टोडोडाइल अच्छा करेगा। चलो इसके साथ पहले बैटल कर दे। वेलकम टू द टफेस्ट जिम इन द जोटो। ओके टफेस्ट तो होगी ना, क्योंकि आखिरी जिम है पूरी जोटो रीजन की, तो होनी चाहिए। और गाइज मैंने अच्छा हुआ ना इनके साथ ट्रेनिंग की, नहीं तो हमारा, ओह इसका अटैक मिस हो गया, बहुत अच्छी बात है। एजिलिटी, ओके फ़ायदा क्या है ब्रो, जब तू फेंट होने वाला है तो अपनी स्पीड बढ़ा के क्या मिलेगा तेरे को। और मैंने एक्सपी शेयर हटा दिया गाइज, क्योंकि उससे खाली फोकट में जो पोकेमॉन बैटल कर रहा है उसको थोड़ी सी कम एचपी मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है, मीन टू से, बट ठीक ही है। एजिलिटी फिर भी, जो गलती तेरे पार्टनर ने की वही गलती तू दोहरा रहा है ब्रो, कोई बात नहीं। ओ एक सीड्रा, सीड्रा के लिए तो हमारे पास पिकाचू है ही ना, और बैकग्राउंड में वॉइस आता रहेगा तो उसको इग्नोर मारो गाइज। पहले स्पार्क ट्राई करता हूँ, लेट्स सी कितना करेगा, बहुत कर दिया, चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ गुड जॉब, ओके तेरे तू भी अच्छा ही खेला ब्रो। इफ़ यू कांट गेट पास्ट मी यू शुड गिव अप, देन लेट्स सी। इसके पास भी दो पोकेमोन है, ओ एक शाइनी ड्रिटानी, नाइस। इसका स्लैम बैठा यार मेरे ऊपर। यार गाइस शाइनी पोकेमोन सच्ची में बहुत अच्छे दिखते हैं। ये लोगों का ये गेम का कोड है क्या, मतलब पहले स्लैम फिर स्पीड बढ़ाने की अपनी की। वो इसके पास एक ड्रैगन एयर है और ओके स्लैम, इसका इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मैं पोकेमोन हील कर रहा हूँ, मैंने ख़रीदा तो था, हीलिंग आइटम्स में रहेगा, नीचे रहेंगे क्या आई गेस। मेरे पास मैक्स रिवाइव भी मिले, ओके लास्ट एपिसोड में कहीं मैं कहीं ना कहीं तो मिलते ही रहते यार, कब पता क्या पता कहाँ से आते, छोड़ो। यार मैंने इसके ऊपर खाली फोकट में यूज़ कर दिया इतना, मतलब वो 200 HP हील करता है, बट ठीक है। लेट्स यूज़ आइस बीम अगेन, ओके एज ऑलवेज एजिलिटी, पहले ही मेरे से ज़्यादा स्पीड है, अब क्या करोगे। स्लैम मिस हो गया, एक नंबर। चलो गाइज हमने यू में हैव अ शॉट, ओके हमने इसको भी हरा दिया। और कितने पोकेमॉन बाकी है, आई डोंट नो। ओ एक डबल बैटल, तो मैं डबल बैटल करना चाहूँगा। आई हैवंट सीन अ चैलेंजर इन अ वाइल, आई मे नॉट हैव अ मैनी ड्रैगन्स बट आई विल वाइप द फ्लोर विथ यू, लेट सी देन। एक एक ही पोकेमॉन, एक सी ड्रा और एक किंग ड्रा, यार ये सही है। मैं क्या करूँ, आई थिंक किंगड्रा के ऊपर नॉर्मल टाइप एंड मेगाहॉर्न सीड्रा के ऊपर। ओके सीड्रा तो फेंट हो गया। एक्वाटेल, यार कब से देख रहा था कोई भी अच्छा मूव नहीं है, तेरे पास ये वाला अच्छा है क्या। ओके इसकी थोड़ी एक्सपीरियंस कम है, बट हम लोग चांस लेंगे गाइज।
ब्राइन, आर यू सीरियस? आइस बीम तो काम नहीं करेगा इनके ऊपर, मैं स्लैश यूज़ करूँगा और मेगा हॉर्नलेट सी। मिस हो गया, अरे रे थोड़ा सा यहाँ पे मिस मैं हो रहा है। ठीक है कोई रे, बेलीफ शायद से तू इसको देख सकती है। नहीं, बॉडी स्लैम, अगर तू पैरालाइज कर दिया इसको मेगा हॉर्न। ओह ठीक है, क्रिटिकल हिट, काफ़ी अच्छे। बेलीफ आई और इवॉल्व हो गई, बॉडी स्लैम के लिए कोई बचा ही नहीं था। ओ एक्सेलेंट, आई नीड टू गेट मोर। ओके क्या चाहिए तुम्हें? ए नहीं, टोटोडाइल अभी नहीं। ओ दोनों इवॉल्व होने पे आ गए थे, बट नहीं अभी नहीं इवॉल्व होना। यहाँ पे कितने बैटल्स है? आई गेस ये आखिरी बैटल होगी। लेट सी, आई गेस आई गेट टू स्टॉप यू। ओके ट्राई योर बेस्ट। एक ड्रैगन यार, मेगा हॉर्न। अबे वन शॉट किल हो गया, क्या मूव है मेगा हॉर्न, और क्लोज कॉम्बैट भी सीख रहा है ये। अल्टीमेट फाइटिंग टाइप मूव बोल सकते हो, बट गाइज इसका एक ड्रॉबैक है कि आप लोगों का सब मैं नहीं सिखाऊंगा इसे। इसका ड्रॉबैक क्या है कि आप लोगों की सब डिफेंसिव स्टैट्स गिर जाते हैं। यू इम्प्रेस मी। ओके आई गेस अभी हम लोग बैटल कर सकते हैं। ओके क्लियर के साथ बैटल करने के लिए आ चुके, तो गाइज़ वेट करो मैं जाके पोकेमॉन हील करके आता हूँ फट से। ओके तो गाइज़ मैं रिटर्न आ चुका हूँ, मैंने मेरे पोकेमॉन को हील भी कर लिया जैसे कि आप देख सकते हैं। तो भी हम लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि क्लियर एक प्योर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे गेम सेव कर लेता हूँ पहले तो, और चलो जाते हैं। इट्स रेयर टू सी योर चैलेंजर मेक इट दिस फार, आई डोंट एक्सेप्ट यू टू विन, बट लेट मी सी इफ यू हैव व्हाट इट टेक्स। कितने पोकेमॉन में डाल सकता हूँ मैं? पहले तो टोटोडाइल को डालना पसंद करूँगा, मैंने गेम सेव करके रखा है क्योंकि अगर इनकेस अगर मैं हार गया तो मैं रिटर्न आऊँगा गाइस, क्योंकि ये हारने के बाद गेम ग्लिच हो जाती है, इसलिए पहले इसको और फिर दूसरे इसको। ओके तीन पोकेमॉन में ये चूज़ कर सकता हूँ, देन लेट्स गो सी व्हाट हैपन्स। एक ही पोकेमॉन ये यूज़ करेगी, किंगड्रा 47 का है, बट वो ठीक है यार। किंगड्रा थोड़ा सा हाइड्रो पंप। ओके क्रंच से अगर मैं इसका सेल डिफेंस गिरा दूँ तो थोड़ा सा काम आ जाएगा मेरे लिए। ओ क्रिटिकल हिट, नाइस। एक ही पोकेमॉन रहता है, क्या करूँ। हेरक्रॉस यू शुड गो एंड ट्राई। मेगा हॉर्न, हाइड्रो पंप। ओके मेगा ऑन हिट हो गया, लगभग तू घर गया। हाइड्रो पंप मिस हो गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय, क्लियर यू लूज। यार इतनी जल्दी हरा दिया, वेट डिड यू हियर दैट? इट साउंड लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम द ड्रैगन्स डेन, आई नीड टू गो इन्वेस्टिगेट, कम अलॉन्ग इफ यू वॉन्ट, इट्स लोकेटेड बिहाइंड द जिम। ओके कौन हो सकता है? आई गेस टीम रॉकेट फिर से आ गई, आई डोंट नो बट लेट सी। पहले तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, और एक मिनट मेरे को ज़रा चेक करने दो, मेरे सारे पोकेमॉन है ना जगह पे। हाँ चलो जल्दी से, पहले तो हील करना है पोकेमॉन और फिर जाना है ड्रैगन्स डेन में। बस हम उसके पास एक ही पोकेमॉन था, हमने इसको ईजिली हरा दिया। मेरे को लगा और उसके पास होंगे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, बट ठीक ही है, इतना भी कुछ खास नहीं था। चलो हो गया नस जो एक पो, कितने बार हील करोगे हमारे पोकेमॉन्स को? आई नो यू लाइक मी बट फिर भी। कहाँ पे है वो? पहले तो गेम सेव कर लेता हूँ भाई। ओके गेम सेव हो गया है। आई एम सो सॉरी माई चैरिज, आई जस्ट वॉन्ट लिसन। अभी तो जाना किधर है? जिम के पीछे जाना था ना, तो जिम के पीछे। ओके यहाँ से रास्ता है, और ये लड़की कौन है? ही ओमकार, हाउ इट्स गोइंग? योर पोकेमॉन गॉट स्ट्रॉन्गर बाय लेवल, यूर स्क्वर्टल हैज़ ग्रोन बाय 2 एंड चैरिज़ार्ड हैज़ बाय 1। नहीं अच्छा तो ये मेरा चैरिज़ार्ड है 4। अरे हट, हाय चैरिज़ार्ड। ओके यहाँ पे मेरे को फ्लैश की ज़रूरत है, बट ठीक है। हु सेड यू कुड बी हियर? बट मेरे पास फ्लैश है नहीं, क्या कर सकता हूँ मैं? आई गेस मेरे को किसी को अब भी सिखा देना चाहिए, और फिर वो बाद में मैं उसको भुला सकता हूँ। पहले तो हम लोगों को इनको हराना पड़ेगा। एजिलिटी फिर से। ओके
मैं पिकाचू को सामने रख दूँ क्या, क्योंकि ये वाटर वाटर टाइप पोकेमॉन्स लग रहे हैं मेरे को ज़्यादातर। फ्लिंच भी हो गया, मैं वाटरफॉल से फ्लिंच होता हूँ, आई डोंट नो, लेट्स सी। और सी मेरे को लगा ही था, पिकाचू ख़त्म कर दिया इन लोगों को। स्पार्क, यार कितने पोकेमॉन हैं इनके पास। चलो ये भी चला गया, एक काम करता हूँ, मेरे पास बैग में आई थिंक फ्लैश तो होना चाहिए। फ्लैश 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 फ्लैश, ओके है क्या, कोई पोकेमॉन सीख सकता है? ओके तुम सीख सकते हो, तो मैं क्या करूँ, दो ही पोकेमॉन सीख सकते हैं आई गेस। मेरे को एक चांस लेना चाहिए, क्योंकि मूव डिलीटर तो है ना इसी सिटी में, तो हम लोग थंडरबोल्ट को भुला देंगे, क्योंकि फिर हम लोग थंडर नहीं ब्रिक ब्रेक को भुला देंगे, क्योंकि ब्रिक ब्रेक हम लोग फिर से सीख सकते हैं। थंडरबोल्ट तो हमें चाहिए रहेगा ना, क्योंकि थंडरबोल्ट का भी मेरे पास TM है और ब्रिक ब्रेक का ही है, बट फिलहाल ब्रिक ब्रेक हटा देते हैं और फ्लैश सिखा देते हैं, तो मैं बाद में जाके वो मूव फिर से रीलर्न कर सकता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो अरे यहाँ पे नहीं, फ्लैश। अरे अरे फिर भी ठीक ही है, काफ़ी डिसेंट है। पहले तो मैं पोकेमॉन हील करके रिटर्न आता हूँ गाइज, वेट करो। ओके तो गाइज मैं रिटर्न आ चुका हूँ पोकेमॉन हील करके, और अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों को पिकाचू को आगे रखना है। फ्लैश यूज़ हो चुका है, ओके पिकाचू को आगे रख देंगे, और चलो देखते हैं आगे क्या रखा है। ओ यहाँ पे मैंने मैक्स रिपेल यूज़ नहीं किया था क्या? ओ यहाँ पे एक लार्वेटार मिलता है, यार ऐश ने एक पकड़ना चाहिए था। ऐश ने पकड़ा था क्या, याद नहीं आ रहा है मेरे को, सॉरी। यहाँ पे सबसे पहले तो मैक्स रिपेल होना चाहिए यहाँ पे कहीं, तो आई थिंक नीचे होगा मैक्स रिपेल, ज़्यादा ज़्यादा नीचे रहेगा। हाँ ये रहा, चलो देखते यहाँ पे क्या है। ओ ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रास्ता है, यहाँ पे रियली में जाना कहाँ पे? ये काफ़ी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है, ये तो बंद है आई गेस। यहाँ पे क्या मिला हमें, एक कैल्शियम, ओके। और यहाँ पे क्या रास्ता खुलता है, ओ यहाँ पे एग्ज़िट है। ओ सॉरी क्लियर अब बोल रही है, वॉट हैव यू डन विद द ड्रैगन फैंग, वॉट आर यू डूइंग टू दैट ड्रैगनाइट, ड्रैगनाइट बिलोंग्स टू अस नाउ, ड्रैगनाइट डिस्ट्रॉय दिस लैंड, क्लियर, नो यू कांट, ओमकार आई नीड यूर हेल्प, आई एम गोइंग टू स्टॉप ड्रैगनाइट, आई नीड यू टू स्टॉप दैम, आई गेस इट्स अप टू अस टू स्टॉप यू, ओके। यार ये लोग क्यों आ जाते हैं बार बार बोर करने, एक तो इनके पोकेमॉन्स थोड़े वीक होते जा रहे हैं, टाइम टू टाइम मेरे को दिखाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। निकलो घर पे जाओ, विक्ट्री बेल, मेरा किधर गया सिंटेक बेल, ये रहा। आई नो मैंने इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी इन लोगों की मेरे से ज़्यादा लेवल है, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि इन द एंड आई एम द हू, मतलब मैं ही जीतने वाला हूँ, ठीक ठाक ही है, चलो कोई बात नहीं। ओह क्या एक्सपीरियंस मिला, वीजिंग आ रहा है, वीजिंग के लिए भी हमारे पास है पिकाचू, पिकाचू। और थंडरबोल्ट के सामने अगर टिक गया तो मान जाऊँ, नहीं मानूँ ठीक है, नहीं मानता। एक वबफेट, ओके लेट्स सी, लेवल काफ़ी कम है तेरे वबफेट की। टीम रॉकेट इज ब्लास्टिंग ऑफ अगेन, ओके आई गेस हमारा काम यहाँ पे हो गया। ये काफ़ी अच्छी जगह है देखा जाए तो, हाँ जी हाँ, ड्रैगनाइट, थैंक यू फॉर योर हेल्प ओमकार, ड्रैगनाइट हैज काम डाउन नाउ, दिस इज़ अ सीक्रेट लैंड दैट फ्यू आर अलाउड टू सी, इट इज़ यूजअली फिल्ड विद पोकेमॉन, बट द इवेंट हियर मस्ट हैव बीन स्केयर देम अवे, नाउ दैट दिस इज़ डन आई एम रेडी टू कंटिन्यू आवर बैटल, कम फाइंड मी एट द जिम, ओ बिफोर आई फॉरगेट टेक दिस एज अ थैंक यू, ओके ड्रैगन फैंग मिला और ड्रैगनाइट, कोई नहीं निकल लेता हूँ मैं यहाँ से। अरे यार फिर से पिकाचू यूज़ फ्लैश, और मेरा रिपेल तो ख़त्म नहीं हुआ ना आई गेस, अगर हुआ रहेगा। ओ यहाँ पे कुछ तो था ऊपर, और एक ट्रेनर भी है वहाँ पे,
तो मैं क्या उसको उल्लू बना के वो ले सकता हूँ? आई गेस। निकलो निकलो जल्दी जल्दी। हाँ हो गया यार, मैंने उसको उल्लू बना दिया लिटरली। ओह यहाँ पे इसके साथ तो बैटल हो चुकी थी। ओके तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे, वो रास्ता था क्या मेरे को याद नहीं, आई डोंट नो, मैंने तब ध्यान नहीं दिया रहेगा। सबसे पहले तो पोकेमोन हिल कर लेते हैं, और फिर से क्लियर के साथ बैटल होने वाली है, और इस बार उसके पास आई थिंक ड्रैगनाइट होगा, तो थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को, बट ठीक है, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। और सबसे पहली बात तो किधर है तुम्हारा मूव डिलीटर? मूव डिलीटर भैया हमारा फ्लैश डिलीट करवा दो। किधर है, किधर है पिकाचू? विच मूव? दिस मूव, दिस मूव। हो गया, इट वर्क टू परफेक्शन, पिकाचू हैज़ फॉरगॉटन फ्लैश कम्प्लीटली। ओके तो अभी हम लोग ब्रिक ब्रेक सिखाएंगे पिकाचू को फिर से। ब्रिक ब्रेक किधर गया, किधर गया? आई गेस ये रहा। पिकाचू क्या तुम ब्रिक ब्रेक सीखना चाहोगे? जी हाँ तो सीख जाओ। ओके तो हम लोगों ने फिर से सारे, मतलब टीम रॉकेट को भी हरा दिया, क्लेयर को भी एक बार हरा दिया था, अभी दूसरी बार जा रहे हराने के लिए आई गेस। क्या मैं यहाँ पे साइकिल यूज़ कर सकता हूँ? नहीं यार, जिम में साइकिल यूज़ करना अलाउड ही नहीं है। ओके गाइस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यार मेरे घर पे कोई तो आ गया था तो उसके लिए सॉरी। रिपेल अभी तो ज़रूरत नहीं है रिपेल की, और अभी हम लोग क्लियर के साथ फुल एंड फाइनल बैटल करने के लिए भी तैयार है। सबसे पहले तो इस गेम को यहाँ पे सेव कर लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ ग्लिच हो गया तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। अभी सेव कर लेता हूँ एक बार और अभी हम लोग शायद से रेडी है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प यू हैव डन, लेट्स कंटिन्यू आवर बैटल शॉल वी। ओके तो मैं कितने पोकेमोन, आई थिंक इस बार वो एक ही पोकेमोन बोलेगी तो मैं पिकाचू के साथ ही जाऊँगा। नहीं और भी है तो मैं इसको नहीं फिर से ये करूँगा, नो एंट्री फ़िलहाल। तो गाइज़ मेरे को नहीं लगता कि हमें पिकाचू को पहला रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग पिकाचू को बाद में भी रख सकते हैं, अगर उसने एक से ज़्यादा मेरे को अलाउड किया है तो मैं पिकाचू को पहला क्यों रखूँ। हम लोग पहले टोटोलर को रखेंगे, फिर पिकाचू को, और फिर हेराक्रॉस को। और चलो फिर से बैटल स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्लियर के पास इस बार कितने पोकेमोन होंगे। इस बार तीनों के तीनों हैं। ओके फर्स्ट किंगडरा, ओके नॉट बैड। पहले तो हम लोग ओके ट्विस्टर यूज़ कर रही है ये, इस बार उसने होल्ड बैक नहीं किया, डिफेंस तो गिरा दिया मैंने इसका। अभी स्लैश यूज़ करके देखता हूँ, अभी मेरे को हील करना पड़ेगा। हीलिंग 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 आइटम्स ये रहे, मेरे हाइपर पोशन किधर गया? ओके हील हो गया हूँ मैं, लेट्स सी। फिर से एक ट्विस्टर, अभी स्लैश एक बार ट्राई कर सकते हूँ मैं, और एक बार हील करूँगा। ओके इसके पास स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं है क्या, सिर्फ ट्विस्टर यूज़ किया जा रहा है? ऐसे तो मैं जीत जाऊँगा, लेट्स सी। बट हाँ यूँ मेरे को उसके लिए बहुत सारी सुपर पोशंस नहीं, हाइपर पोशन यूज़ करने पड़ रहे, बट ठीक ही है। हाइड्रो पंप, ओके ये हुई ना कोई बात, ये मेरा आखिरी हाइपर पोशन होगा टोटोडाइल के लिए, उसके बाद तो हम लोग इसको डिफीट कर ही देंगे। हाइड्रो पंप ओके, इस बार ट्विस्टर ओके लगा ही था। ओके किंगड्रा को हरा दी हमने, दूसरा पोकेमोन गैरडॉस होने वाला है तो इजीली हम लोग उसको पिकाचू के साथ टैकल कर सकते हैं। पिकाचू का थंडरबोल्ट लूँगा मैं, कोई चांस नहीं लूँगा इसके ऊपर खाली फोकट में। ओके पिकाचू ने गैरडॉस को डाउन कर दिया, और ड्रैगन ही है रे इसका आखिरी पोकेमोन, मेरे को लगा कोई दूसरा होगा। हेराक्रॉस तू संभाल सकता है गैस। मेगा हॉर्न, अरे यार हिट नहीं हुआ, ड्रैगन रेज ओके। एक और मेगा हॉर्न, काफ़ी अच्छा अटैक था यार। एक और मेगा हॉर्न, ओके हेराक्रॉस ने ख़त्म कर दिया यार, इजीली डिफीट कर दिया, और हमने इसको हरा दिया। आई डोंट लूज ऑफन बट आई एम ग्लैड टू प्रेजेंट दिस बैच टू यू। ओके यू हैव वन द राइजिंग बैच, ऑब्टेन राइजिंग बैच। तो गाइस इसी के साथ हमने जोटो के सारे बैच हासिल कर लिए, तो अभी हम लोग जोटो लीग के लिए तैयार हो जाएंगे। हियर हैव दिस TM2, ड्रैगन क्लॉ भी मिला हमें, बट मेरा कोई पोकेमोन सीख नहीं पाएगा, वो एक अच्छी बात नहीं है। TM ना पता है ये तो अभी क्या करें, आई अज्यूम दैट इज़ योर लास्ट बैच,
गुड लक इन द लीग। ओके तो गाइज हमने इसी के साथ हमारा जोटो रीजन का 8वां जिम बैच भी जीत लिया है। आई नो इसके साथ दो बार बैटल करनी पड़ी बट ठीक है, दैट नॉट मतलब इतना भी कुछ बड़ी बात नहीं है ये। तो सबसे पहले पोकेमॉन हील कर लेता हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। हाय नशोय, मैंने सारे पोकेमॉन्स बैजेस ऑफ जोटो को जीत लिया, तो मैं इसके बाद जाऊँगा जोटो लीग को चैलेंज करने। तो आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक मारो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।